अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 शो, आपके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं माइंड मैटर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में हमारी साइकोलॉजिस्ट, हमारी एक्सपर्ट जो कि हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से जानने में, हमारे साथ मौजूद हैं इनब शुजात। वेलकम करेंगे शो में, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत महवेश, आपने बहुत तारीफ कर दी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज जो है 7 अक्टूबर है जी, और 10 अक्टूबर को एक बड़ा अहम दिन मनाया जाता है, और इत्तेफाक है हम इन दिनों में शोज भी कर रहे हैं, तो बस 3 दिन के बाद ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा होगा। हम लोगों ने शुरू में जो प्रोग्राम किया था वो मेंटल हेल्थ के हवाले से किया था, उसकी अवेयरनेस हमने दी थी। आज भी हमारा टॉपिक कुछ मिलता हुआ है लेकिन कुछ मुख्तलिफ भी है, बल्कि काफी हद तक मुख्तलिफ है, है ना। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे कि 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा मेंटल हेल्थ डे, जो कि खास करके वर्क प्लेस पे है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना जी। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल का ऑफिशियल थीम है इट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। अब बात करें वर्क की, तो वर्क सुनते ही एक अपने आप में वर्क इज स्ट्रेस। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मॉडरेट स्ट्रेस इज गुड, ठीक है, हमारी लाइफ्स के लिए, कि एक थोड़ा बहुत अमाउंट स्ट्रेस का होना चाहिए ताकि वो हमें चला सके आगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं वर्क प्लेस की बात करूंगी, तो वर्क प्लेस में हमारा एक पोर्शन ऑफ लाइफ, हम अपनी एक पोर्शन ऑफ लाइफ बिताते हैं, और हम वो चाहेंगे कि जहाँ हम रोजाना जाते हैं तो हम एक साउंड माइंड से जाएं, और साउंड माइंड से ही वापस आए। तो एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट आपकी ओवरऑल वेलबींग को ऑब्वियसली सही रखेगा, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। अब अगर पुअर मेंटल हेल्थ है, जहां आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं खुश नहीं जा रहे हैं या किसी उलझन से जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर कर पड़ेगा इसका। आप छुट्टियां ज्यादा लेना पसंद करेंगे ऐसे टाइम पे, आपका हायर टर्नओवर रेट्स पे असर डालेगा। दूसरी तरफ अगर आप एक साउंड माइंड से आप अपनी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तो जाहिर है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन आपको रहेगा, फिर आपका मोरल बूस्टअप रहेगा, एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ आउटकम जो है वो इम्प्रूव रहेगी। यहाँ पर यही चीज हम ये देखेंगे कि मेंटल हेल्थ जो है, मतलब कैसे असर कैसे चेंज होती रहती है विद द सिनेरियो, विद द एनवायरनमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय द वर्कप्लेस। सही। अच्छा, ये जो मतलब आपने वर्क प्लेस के हवाले से और मेंटल हेल्थ के हवाले से बताया, अगर आजकल की दुनिया में देखा जाए, क्योंकि जैसे आपने कहा एक पोर्शन ऑफ लाइफ, तो हम कोई 7 से 8 घंटे तो अपने ऑफिसेस में मतलब गुजार रहे होते हैं, एक लंबा टाइम होता है जी। उसमें हमारे कुलीग्स, हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है डेफिनेटली, मतलब हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। और ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है इस हिसाब से कि इस दिन का, जैसे आपने बताया कि इस दफ़ा का स्लोगन भी ये रखा गया है, तो ये वाकई मतलब इस चीज़ की ज़रूरत को समझना बड़ा ज़रूरी है जी। अच्छा जी, तो इस वक्त हम बात ये करेंगे कि जो कॉमन चैलेंजेस होते हैं जो एम्प्लॉइज जो वर्क प्लेस में मौजूद हैं उन लोगों के सामने होते हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ये तो आप ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि किसी की सैलरी बढ़ी, सामने वाला खुश नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो प्रॉब्लम बनता है, ठीक है। इसमें एंग्जाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं लोग, या किसी का फेवरेटिज्म ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस है, ठीक है। आप बहुत सारी ऐसी चीजें, बिहेवियर अच्छा नहीं है लोगों का। एग्जैक्टली जी, देखिए तो आप तो सीख गए। ये चीज मेरे जहन में आई। तो ये सारी जैसे चेंजेस इन बिहेवियर दिखेंगे आपको, ठीक है। लोग इरिटेटेड रहते हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या उनकी परफॉर्मेंस में ड्रॉप इन दिखेगा, नोटिसेबल ड्रॉप, ठीक है। अब जो पहले जितना जो अच्छे से काम करते थे उतना काम वैसे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, पुअर मेंटल हेल्थ है, सपोर्ट नहीं कर रहा है उस वर्क प्लेस को। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे अक्सर लोग सर दर्द
या थकान के बारे में बोलते रहते हैं। सुबह आए हैं ये बताएंगे कि अच्छी नींद नहीं हुई, फिर पूरे दिन उनको थकावट महसूस होती है, पूरे दिन सर दर्द की शिकायत करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमें इसी बात से ये पता चलता है कि दे आर नॉट हैप्पी विद द वर्क एनवायरनमेंट, विद द वर्क प्लेस। सही, मतलब अननेसेसरी जो आपको प्रेशर दिया जा रहा होता है, जिस तरह की जो कोलीग्स आपके कोलीग्स हैं वो सारे के सारे जो आपके साथ उनका बिहेवियर है, ये सारी की सारी चीजें मिलके डेफिनेटली चैलेंजेस लोगों के लिए खड़े कर रही होती हैं। वो वर्क प्लेस पे अपने आप को मतलब उस तरह से सेफ भी नहीं फील कर रहे होते और फिर उनको मजा नहीं आता जी। क्योंकि यूजली ऐसा होता है ना कि हम लोग मतलब जो ना जब खुशी से काम कर रहे हो, सब कुछ हमारे हिसाब से हो, तो क्रिएटिविटी अपने एक उरूज पे होती है, हम मतलब फील करते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह के मामला होने लेकिन तो डेफिनेटली इस तरह का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, साइंस अगर जैसे एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है जी, और उसको एक यूजुअली देखे ना, जैसे आपने खुद ही कहा कि स्ट्रेस एक खुद ही आ जाता है वर्क के साथ, तो आइडेंटिफाई करना इस चीज को कि अब ये चीज इतनी ज्यादा हो गई है मेरे जहां पे मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी जगह है, कि वहां से मुझे इस किस्म की चीजें मिल रही है कि अब मेरी मेंटल हेल्थ उससे मुतासर हो रही है, उसका इम्पैक्ट उस मेंटल हेल्थ पे हो रहा है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा इंसान? वो खुद अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करेगा कि वो हर वक्त इरिटेटेड रहता है काम के लोड का। जाहिर है वर्क लोड अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो इंसान छुट्टियां ज्यादा लेना स्टार्ट कर देता है, राइट और या फिर कलीग्स से उतने अच्छी तरह से बात नहीं करता जैसे पहले कभी करता था। सही, ठीक है, कलीग्स के साथ बैठना पसंद नहीं करता है कि अगर फ्री टाइम में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके तो, या हम वही मैंने बताया आपको कि हमेशा थकावट या हेडेक्स की इसकी कंप्लेन करते रहते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं जो शो कर रहे हैं कि यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर। अच्छा जी, तो इस तरह मतलब ये वाली जो सिचुएशन है बाजों का, ये ना घर वालों को बड़ा सफर करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग जो अपने वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा होता है ना, उनके चुड़चुड़े हुए होते हैं, तो घर जाके वो घर वालों को तंग करते हैं उनके सामने चुड़चुड़े हुए होते हैं, घर जाते ही मतलब अपना गुस्सा निकालते हैं, कहीं तो गुस्सा निकाले। तो ये घर वालों को मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा है ना अंदाजा हो जाता होगा इसका, वो बता सकते हैं। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स, माइंड मैटर्स आरजे महवेश खान के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी, दिल से देसी। तो अब ये सारी सिचुएशन चल रही है जी, अब एम्प्लॉय जो है वो सफर कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ भी मुतासिर हो रही है, तो इस मामले में डेफिनेटली मतलब जो एक लीड कर रहा होता है किसी भी जगह को, तो वो बेसिकली एक बड़ा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना सकता है। exactly, तो उसकी क्या exactly. मतलब उसकी लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मामले में? देखिए उनको जी बॉस कहूंगी अब ये आपके हमारे बॉसेस के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल हम बात करेंगे कि बेशक बॉसेस को दे शुड बी अप्रोचेबल, मतलब अगर कोई इशू है तो दे शुड टेक प्रॉपर एक्शन, ठीक है, क्योंकि जब प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता तो अक्सर लोगों में अंदरूनी एक तनाव सा दिखता है और लोग खुश नहीं रहते हैं। तो ऐसे में एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और यहाँ मैं कहूँगी कि हर डिपार्टमेंट का अपना एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। Exactly. एक काउंसलर मस्ट बी देयर कि लोगों की बातें सुने और उनको सही गाइड करे, ठीक है। तो और लीडर्स को ये चाहिए कि वो थोड़ा वर्कलोड कम कर दें और लोगों की बातों से उन्हें ब्रेक दें। दे मस्ट रीच आउट फॉर हेल्प, दे मस्ट स्पीक टू अ ट्रस्टेड कलीग, ठीक है, अपने मैनेजर से बात करें जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो दैट उनकी बात को सुना जाए, ठीक है, और प्रोफेशनल सपोर्ट लेने में भी हिचकिचाएं नहीं। और ये याद रखें कि टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। सही, मतलब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस डेफिनेटली, मतलब हमारे शोज का मकसद यही है कि हम लोगों को ये बता सकें कि आपने ना, मेरे हस्बैंड एक बात करते हैं कि आपने जिंदगी भर काम करना है, मतलब काम ऐसी चीज है जो कभी रुकेगा नहीं, तो अपने आप को भी मतलब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप रिलैक्स भी करो, आप थोड़ा सा अपना जो है ना ऐसा टाइम रखो जिसमें आप इंजॉय कर सको। अगर हद से ज़्यादा आप अपने वर्क प्लेस का एक स्ट्रेस लोगे
तो वो आपकी लाइफ को भी कम करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को भी मुतासिर करेगा, और डेफिनेटली आपका जो टेन्योर है वो कम हो जाएगा. एग्जैक्टली अपना स्ट्रेस लेके घर पे ना जाए, घर पे ना जाए. एग्जैक्टली तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है. एंड अब अच्छा, इससे पहले कि मैं मतलब ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँ, मैं एक सवाल आपसे और करना चाह रही हूँ कि बाज़ोकात ये होता है कि एम्प्लॉय के पास ऑप्शन नहीं होता है ना, अगर वहाँ पे वर्क प्लेस पे इस तरह की सारी चीजें चल रही हैं और मेंटल हेल्थ उसकी बहुत बुरी तरह से उसको लग रहा है कि बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, अल्लाह ना करे वो किसी डिजीज की तरफ, इन चीजों की तरफ ना चला जाए, तो उसको खुद से क्या मतलब ये जॉब स्विचिंग भी एक ऑप्शन हो सकती है, या फिर उस पर कम्युनिकेट मतलब इस तरह से किया जाए कि वो इफेक्टिव हो सके. देखिए, जॉब स्विचिंग की जो अभी आपने बात की, तो ये सॉल्यूशन इसलिए नहीं होगा कि हम अगर स्विच करके दूसरी जॉब पे जाएंगे और खुदा ना खास्ता वहाँ पर भी हम ये देखें कि इसी टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. तो हम चाह मतलब हमें चाहिए कि ऐसे ही एनवायरनमेंट में, अब प्रॉब्लम्स हैं तो हैं, तो यू शुड बी इन द प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंट में रखिए कि हाँ आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, इसको फेस करना है और आपको ही करना है. सही. तो उसमें रह के जो दूसरी चीज़ें हैं उसको हटाकर अपने अपने किसी किसी क्लोज फ्रेंड से बातचीत करें और प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, क्योंकि अगर हम उस चीज़ से भागेंगे तो वो पीछा नहीं छोड़ेगी. तो इसलिए स्ट्रेस को भी कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो कि हमें इसको फॉलो करना चाहिए, बहुत सारे रिकमेंडेशन, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हमें इसको फॉलो करना चाहिए. सही, गुड, ज़बरदस्त. अच्छा, जाते जाते बस अब ये कि एक एडवाइस जितने भी लोग जो एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये एक बड़े लोगों का ना मतलब आपने रेलिवेंट टॉपिक लिया है और लोगों को बड़ा मतलब एक है भी, हमारे पास भी काफ़ी कॉल्स आ रही होती हैं जिसमें लोग जिक्र कर रहे होते हैं अपने मतलब जो ना तंग आए हुए जॉब से. तो अभी इस वक्त अगर कोई बंदा सफ़र कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर अपने वर्क प्लेस पर, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी? देखिए, मैं एक सेल्फ हेल्प टिप आपको देना चाहूँगी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बहुत अच्छी टेक्निक है. ठीक है, जब आप एंशियस होने लगें तो आपकी बॉडी आपको अलार्म करने लगती है. ठीक है, तो आप पांच चीज़ें देखें. ठीक, ये एक रूल बना लें, 5 4 3 2 1. अब वो पांच चीज़ें कैसे करेंगे आप? पांच, आप बाहर निकल के जाएं, आप पांच चीज़ें देखें, उनके नाम दें. ये पेड़ है, ये मैंने कार देखी, ये इसको देखा, इसको देखा, ऐसे पांच चीजें और उनका नाम दें. ठीक, फिर चार साउंड सुनने की कोशिश करें. ओके, ठीक है, बर्ड की आवाज आ रही है, कोई स्पून से खा रहा है, मैं घड़ी की टिक टिक सुन रहा हूँ, इसी टाइप. ऐसे चार साउंड सुनने की कोशिश करें और उसके नाम दें कि आपने क्या सुना. ठीक, थ्री, तीन स्मेल्स कोई सूंघे. ओके, एक आपको पत्तों की खुशबू सी आएगी, या आप बाहर नहीं गए हैं तो इतना ऐसे हैं कि कहीं खड़े हुए हैं तो किसी पास की कोई परफ्यूम, कोई लेडी वहां से गुजर के गई तो एक स्मेल परफ्यूम की आई. इस तरह आप तीन स्मेल्स सूंघेंगे जिसमें आप नाम देंगे उसका. ओके, उसके बाद आप दो चीजें फील महसूस करेंगे. ठीक है, आप महसूस करके मीन्स आप टच करके देखेंगे. सही. ये वॉल का टेक्सचर कैसा है? सही. कोई कपड़ा टच किया? सही. इसका टेक्सचर कैसा है? उसको नाम देंगे. सही. फिर वन लास्ट में कोई चीज टेस्ट करेंगे, और ऑब्वियसली वो उस वक्त अवेलेबल नहीं होगी, और अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है, तो इमेजिन करेंगे उसका टेस्ट और उसको नाम देंगे. मान लीजिए आपको बिरयानी पसंद है तो उसके बारे में, या आपको कुछ और पसंद है तो वो. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप जो इमेजिन कर रहे हैं, आपका ब्रेन जो है वो आपके वो इस तरह काम करना शुरू कर देगा कि आप इन ग्राउंड्स पे हैं. ठीक है, एंड इट विल अल्टीमेटली लोअर योर एंग्जाइटी. ओके ओके, मतलब ये इस तरह की सेल्फ थेरेपी है, एक थेरेपी, एक टेक्निक है ये. हम सीबीटी में यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. इसमें ये पांच चीजें आप ध्यान रखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका वो जो एंग्जायटी लेवल था उस वो लोअर डाउन हो गया. एग्जैक्टली. अच्छा, वर्क प्लेस की खास तौर पे बात हुई ना, तो मैं एक बड़ा आखिर में बिल्कुल एक सवाल करना चाह रही हूँ कि आप क्या मतलब एडवाइस करेंगी कि
स्पीक आउट बेहतर होता है या फिर चीजों को बस जैसे चल रही है दिल में दबा के बैठे? देखिए, दिल में दबा के बैठना भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको उस हिसाब से बोलना है कि आपकी बात सुनी जाए। जब आपको लग रहा है कि आपको बोलना चाहिए और बात सुनी नहीं जाएगी तो इट इज यूजलेस। ओके, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। ठीक है जी। तो लिसनर्स, ये वर्क प्लेस के हवाले से मैंने और अपने एक अपने तौर पे कोशिश की है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें बताई जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। हर कोई इस चीज़ से गुजर रहा होता है, हर बंदा कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है और उसको ये जो चैलेंजेस हैं उनका सामना है उनको। तो अब किस तरह से, जैसे इन्होंने बताया, जॉब स्विचिंग कोई हल नहीं है, फरार आपने लेना ही नहीं है, बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर खुद से काम करना है। तो काफ़ी थेरेपीज और काफ़ी चीज़ें आपकी तरफ से आपको पता चली हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शो बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग डेफिनेटली अपनी मेंटल हेल्थ में रोज़ बरोज़ अब एक बेहतरी फील कर रहे होंगे और जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी समझने में आपको मज़ीद जो है ना आसानी हो रही होगी, आप उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे आपसे इसी शो के साथ जिसका नाम है माइंड मैटर्स। मुझे और इन आपको दीजिए इजाज़त। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।